हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा विस्तारा एयरलाइन के। यहाँ पर बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट हो रहा है, केबिन क्रू एंड और भी कुछ ऐसी पोस्ट निकला हुआ है, तो सब कुछ मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो केबिन क्रू जॉब के लिए। इसके साथ साथ किस तरह से आप पायलट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्शियल पायलट और पायलट फ्लाइट ऑपरेशन इंजीनियरिंग, बहुत सारे सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एचआर, एफएमएसएस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लीगल एंड रेगुलेटरी अफेयर्स। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे जो कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पोस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा वन बाई वन किस तरह से आप लोग जो कि अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक जो कि लोगों को एक इच्छा होता है कि आपको एयरलाइन में जॉब करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा जो कि सैलरी होता है आपका। इसके साथ साथ आप एक जो कि एक बहुत अच्छा जीवन जो कि लाइफस्टाइल आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप केबिन क्रू के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इस पेज में आना होगा। तो दोस्तों, इस पेज का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग इस पेज में डायरेक्टली आ सकते हैं उसको लिंक क्लिक करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, केबिन क्रू जॉब जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको व्यू जॉब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद केबिन क्रू के जो जो रिसेंटली पोस्ट निकला हुआ है, क्या कहाँ कहाँ आपको इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ, आपको यहाँ पे जो कि वर्किंग इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता है, कोई भी एग्ज़ाम या कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, वर्किंग इंटरव्यू में जाना होगा। उसके बाद आपको वर्किंग इंटरव्यू जो जो हो रहा है जहाँ जहाँ, आप लोग वहाँ से जाके जो कि आपका एप्लीकेशन जो कि सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग बता देता हूँ, 19 नवंबर 2018 टाइम है 10 AM 4 PM, सिटी दिल्ली, JW मैरियट दिल्ली, एरो सिटी न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, इस एड्रेस में आपको क्या करना होगा, वर्किंग इंटरव्यू के लिए जाना होगा 19 नवंबर 2018। ध्यान रहे आपको 10 AM से 4 PM तक आपका जो कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपको इस टाइम में आपको जाना होगा। उसके पहले आपको जाके आपको जो कि वहाँ के जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको फिलअप करके आपको देना होगा। उसके बाद आपको जो कि आपको इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ की 4-3 सिटी जो जो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा है। फर्स्ट सिटी का नेम है दिल्ली और सेकंड कोलकाता एंड थर्ड भोपाल। तो दोस्तों, दिल्ली में आपको जो कि डेट है 19 नवंबर 2018 एंड कोलकाता का डेट है 23 नवंबर 2018 10 AM to 1 PM। इसका जो कि एड्रेस है हॉलीडे इन राजरहाट नियर सिटी सेंटर टू कोलकाता। उसके बाद भोपाल में जो इंटरव्यू होगा उसका डेट है 28 नवंबर 2018 10 AM to 1 PM तक, कटरट बाय मैरियट एरिया हिला भोपाल। इस एड्रेस में जाके आपको जो कि यहाँ पे इंटरव्यू देना होगा। तो दोस्तों, इसके साथ से कुछ भी क्वालिफिकेशन या यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप जब अप्लाई करने जाओगे आपको ये सब क्राइटेरिया आपको ध्यान रख के जाना होगा। तो फर्स्ट जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन नेशनल विद वैलिड पासपोर्ट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, मिनिमम हाइट 155 सेमी फॉर फीमेल, आर्म रीच शुड बी 212 सेमी एंड 170 सेमी फॉर मेल, मिनिमम एजुकेशन जो है 10+2 क्लास 12, मिनिमम 60% इन 12, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, नो टैटू टू बी विजिबल व्हेन यूनिफॉर्म इज वन, BMI रेंज फॉर फीमेल 18 to 22 एज लिमिट रहेगा। इसके साथ साथ आपको मेल के जो है 18 to 25 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर फ्रेशर, मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो कि है 32 ईयर्स तक। एक्सपीरियंस लोगों के लिए यहाँ पे आपको एक मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर एज क्रू विद एनी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइन, वैलिड ESEP लाइसेंस, मिनिमम एज 20 ईयर्स to 34 ईयर्स। तो केबिन क्रू इंचार्ज जो कि अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, मिनिमम एक्सपीरियंस फॉर 4 ईयर्स एंड क्रू विद एनी डोमेस्टिक एयरलाइन इंटरनेशनल एयरलाइन, वैलिड ESEP लाइसेंस, शुड हैव कम्प्लीटेड टोटल ऑफ
3,500 hours of flying proof of hours required with minimum 1 year as CCIC, minimum age 24 to 36 year. अप्लाई करने के लिए यहाँ पे केबिन क्रू के जो एप्लीकेशन के ये है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा. यहाँ पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको जो कि एक फॉर्म दिया जाएगा, इस फॉर्म का आपको फिलअप करके भेजना होगा. तो दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर्म को आपको जो जो यहाँ पे भरना होगा, आपका फर्स्ट नेम यहाँ पे देना होगा, उसके बाद आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो देना होगा, उसके बाद आपका जेंडर, हाइस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ पे देना होगा, आपका वेट इन केजीज जो है आपको देना होगा, हाइट इन सेंटीमीटर, एंड व्हिच पोजीशन आर यू इंटरेस्टेड, केबिन क्रू फ्रेशर, केबिन क्रू एक्सपीरियंस, केबिन क्रू इंचार्ज, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो देना होगा, आर यू विलिंग टू ज्वाइन एट दिल्ली बेस, आपको दिल्ली में बेस के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं. डू यू हैव एनी वैलिड इंडियन पासपोर्ट, तो अगर है तो आप येस कर सकते, नहीं है तो नो कर दीजिए. करेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो आपको यहाँ पे दे सकते, अगर फ्रेशर है आपको यहाँ पे फ्रेशर लिखना होगा. करेंट रेजिग्नेशन भी आपको यहाँ सेम देना होगा, फ्रेशर हो तो आपको फ्रेशर लिखना होगा. इसके साथ साथ रिज्यूम आपको देना होगा, यहाँ पे आपको आपके पास जो रिज्यूम है आपको यहाँ पे वो सबमिट करना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा आपका ये फॉर्म. तो दोस्तों इस तरह से आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद सबमिट कर देना होगा, इस तरह से जो कि आप एयर विस्तारा एयरलाइन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो दोस्तों इस तरह से और भी जो पोस्ट है यहाँ पे, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो सेम पोस्ट के लिए आप सेम पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान रहे जिस डेट में आपको वर्किंग इंटरव्यू, आप उस डेट में जाके इंटरव्यू दीजिए. तो इस तरह से जो कि आपको ये अप्लाई करना होगा या इंटरव्यू देना होगा. अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए फ्रेंड्स. थैंक यू.